दोस्तों, Redmi Note 5 Pro पर फेस अनलॉक का अपडेट मुझे मिल चुका है और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो फेस अनलॉक है कितना इफेक्टिव है और कितना फास्ट है। देखते रहिए। Redmi Note 5 Pro का रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है, अगर आपने वो देखा नहीं है तो उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल ये जो हैंडसेट है बहुत ही अच्छा हैंडसेट है, बहुत ही अच्छे प्राइस टैग के साथ में आता है, 13,999 रुपये का प्राइस टैग है। और इस हैंडसेट पर जब ये लॉन्च हुआ था तो Xiaomi ने कहा था कि इसे फेस अनलॉक मिलने वाला है। मुझे फेस अनलॉक अपडेट मिल चुका है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो फेस अनलॉक है किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए, ये है अपडेट, 1.6 GB का अपडेट है और इसमें फेस अनलॉक है और साथ में कुछ सिस्टम इम्प्रूवमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन का अपडेट है। तो इसे मैंने अपडेट कर दिया है और आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में जाना है, वहाँ पर आपको मैनेज फेस डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपका जो फेस है उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस डेटा से आप अनलॉक कर सकते हैं अपना जो स्मार्टफोन है उसे, जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो जो फेस अनलॉक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक और ख़ास बात, आप सिर्फ एक ही फेस डेटा को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि फेस डेटा कितना फास्ट है और कितना एक्यूरेट है, ये देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर का स्पीड चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पावर बटन को मैंने प्रेस किया है, फिर फिंगरप्रिंट को टैप किया है, इंस्टेंटली अनलॉक हो गया है। पावर बटन ऑन, फिंगरप्रिंट टैप, तभी का तभी अनलॉक हो जाता है, ये देखिए। अब मैं फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, फेस अनलॉक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। फिर से ट्राई करते हैं, पावर बटन को प्रेस किया है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, फिर से ट्राई करते हैं। पावर बटन प्रेस किया है, ये लीजिए, और ये फेस अनलॉक हो गया है। देख सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगता है, इतना फास्ट नहीं है जितना कि फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है। ये देखिए, यहाँ पे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा फेस अनलॉक। ये देखिए, पावर बटन प्रेस किया है और फेस अनलॉक। वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो फेस अनलॉक से काफ़ी फास्ट है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप गॉगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फेस अनलॉक काम नहीं करता है। ये देखिए, काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, फेस अनलॉक Redmi Note 5 Pro पर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इतना फास्ट नहीं है जितना कि फिंगरप्रिंट सेंसर है। अच्छी बात यह है कि फेस अनलॉक का फीचर कंपनी ने इस स्मार्टफोन पर रोल आउट कर दिया है। तो आपको ये फीचर कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसे एनेबल करना मत भूलिए। देखते रहिए।